सवाल स्वागत है अपने वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बिगेस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि मैंने पिछले वाले चैनल पर अपलोड किया था लेकिन इस वाले पे है नहीं, और ये मैं फिर से रिक्रिएट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पिछला वाला वीडियो को ही रिफाइन करके मैं इसमें अपलोड करने वाला हूँ। और हाँ, इसका प्रोसेस पिछले बार की तरह नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने कुछ एडवांस लेवल का एडिटिंग किया है जिसमें आपका दिमाग खराब होने वाला है। पहले मैं बता देता हूँ, लेकिन आसान तरीका चाहता कौन है? आप ही लोग तो बोलते हैं कि भैया हार्ड वाला एडिटिंग चाहिए। आ गया, सबसे पहले बताते हैं कि क्या हम एडिट करने वाले हैं, मतलब क्या हम सिखाने वाले हैं। ये तो हो गया टेक्स्ट ड्रॉपिंग कि कैसे वो टेक्स्ट ड्रॉप हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस करेंगे जो कि मैं अभी नहीं बल्कि वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बड़ा मजा आएगा। अब इसको एडिट करने के लिए जो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है अलाइट मोशन। हाँ भाई, गाली मत पको, शांत हो जाओ। मैं अपने तरीके से समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में सीधा बैठ जाओ। एक एक करके मैं डिटेल्स बताऊंगा, थोड़ा सा बोरिंग भी होगा और थोड़ा सा मजा भी, क्योंकि हमारा एडिटिंग स्टाइल आपको पता है। बाकी क्या करना है, स्टार्ट करते हैं भाषण नहीं। अब देखिए, स्टेबल होकर रिकॉर्ड कीजिए या मूवमेंट के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मूवमेंट के साथ करेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, मैं झूठ क्यों बोलूं, क्योंकि उसमें ट्रैकिंग करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। अब हमने जो रिकॉर्ड किया है जिसमें हमारा एक मॉडल, मतलब जो भी हमारा लईका फीका है, उसको बगल से गुजारते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये जैसे जैसे गुजरेगा वैसे वैसे पूरा टेक्स्ट जो हो नीचे गिरते जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको बहुत ईजिली, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ अभी जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, इसके साथ साथ थोड़ा सा भाषण भी कर लेता हूँ। अब क्या है कि जैसे जैसे गुजरेगा उस हिसाब से मेरे को इसको चिकनाना है, मतलब जो भी दीवार वगैरह है उसको। तो उसको करने के लिए हमें करना पड़ेगा मास्किंग। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा मास्किंग का ही। ओके, तो मास्किंग के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस वाले टूल का, पिक्चर ड्राइंग लहसुन वाला टूल। उससे पहले हमको एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, जैसे ये खाली जगह है क्योंकि मेरे को पूरा टेक्स्ट चाहिए, यहाँ से ये परफेक्ट आएगा। तो शेयर करते हैं एंड करंट फ्रेम एज ए PNG पे एक्सपोर्ट कर देंगे। हमारा एक इमेज सेव हो चुका है जिसमें से हम टेक्स्ट को निकालने वाले हैं। अब इसके अंदर हम इस्तेमाल करने वाले, जैसे मैंने बताया, मास्किंग हम धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले बी और पी दोनों दिखाई दे रहा ना, उसको मास्क करना है। तो विक्टर एंड ट्वाइनिंग को चूज करेंगे एंड कलर हम दीवार के कलर का चूज करना पसंद करेंगे, क्योंकि दीवार का कलर का नहीं होगा तो बर्बाद हो जाओगे सिंपली। तो कुछ इस तरीके से हम मास्किंग स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने अभी किया। अब हमने यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर दिया है। कलर एंड फिल में जाएंगे और एक यहाँ पे चूज करने वाला कलर रहता है जहाँ से आप दीवार का कलर चूज कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो पूरा यहाँ पे मैच हो जाएगा, और भी मैच करने के लिए आप देख सकते हो कि पूरा परफेक्ट होना चाहिए भाई, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कुछ इस तरीके से, इतना ये परफेक्ट रहेगा। सो यहाँ पर हमने एक मास्क कर लिया है, दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से एक एक करके सारे को मास्क करना है ताकि पूरा बांगू टावर जो दिखा हुआ है वो गायब हो जाए। अब इसी के साथ हमको की फ्रेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ट्रैकिंग करना है। जैसे यहाँ पे ये पूरा गायब है, आगे जाके ये दिखाई देने लगता है। दिखाई दी क्या कहना चाह रहे? तो इसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करते हैं। पहला अक्षर गायब है जो जिससे हम परफेक्टली बनाएंगे। अब मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, सब में दे देंगे की फ्रेम, क्योंकि क्या पता किसको हिलाना पड़े, समझ जाएंगे। एंड जैसे जैसे ये बढ़ता है उस हिसाब से हम इसको बैक करते जाएंगे। देखिए, यही आइडिया सब वाले टेक्स्ट को ऊपर अप्लाई करने वाले। तो हमारा यहाँ पे एक और सेव बन चुका है, फिर से कलर का सेम ही प्रोसेस करेंगे और एक एक करके जितना भी टेक्स्ट है सारे को मिटा देंगे, क्योंकि मिटा दोगे तो भैया आप ही के लिए अच्छा रहेगा। ये पूरी परफेक्ट तरीके से करने के लिए बीच में जो हमने थोड़ा थोड़ा सा गैप दिया है वो अजीब टाइप से लग रहा है, बट इसको भी परफेक्टली बनाने के लिए आपको हर एक जगह पर धीरे 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 करके सटा सटा के चिपका चिपका के बनाना पड़ेगा। ओके, जिसमें गैप नहीं हो, आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे। जैसे लास्ट वाला जो मैंने दो मिक्स किया वो परफेक्टली वर्क किया यहाँ पे। ओके, अब क्या करना है कि हमने जो उस टाइम पे एक PNG क्रिएट किया था, मतलब इमेज स्क्रीनशॉट लेना या जो भी जूम आउट जूम इन, उसको ऐड करना है इसके अंदर। और जैसे हमारा पहला शेप स्टार्ट होता है वहाँ से वो टेक्स्ट ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब मुझे चाहिए सिर्फ टेक्स्ट, तो ओनली टेक्स्ट निकालने के लिए आप फोटो रूम का भी इस्तेमाल कर सकते हो या अपना से कट भी कर सकते हो। मैं फोटो रूम का इस्तेमाल करके देखता हूँ, अगर वर्क करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसी में कट करता हूँ। ओके,
अब इसको कटआउट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और ये बेस्ट है, मतलब लाइट वर्सन का मुकाबले तो ये बेस्ट ही है। ओके, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग बंद करके सीधा पहुँचता हूँ लाइट वर्सन में। अब जब हमारा ये सेप स्टार्ट होता है, मतलब जैसे ऐसे जैसे यहाँ पे पहुँचेगा, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करके डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं, फिर हमारा जो टेक्स्ट है उसको ऐड करना है पूरा फिट करके, समझ में आ गया। तो इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत करोगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मीडिया में जाते हैं और जो भी हमारा इमेज अभी मैंने कटआउट किया है उसको ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा ये, उससे पहले फिट करना पड़ेगा। अब इसको परफेक्टली फिट करने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड इस तरीके से कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मुझे पीछे का फुटेज मिल जाएगा, जैसे यहाँ का फुटेज चाहिए मेरे को कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पूरा परफेक्ट तरीके से फिट भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा जो कैरेक्टर है और जो भी मैंने ऐड किया इसके अंदर वो नहीं रहेगा, समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम परफेक्टली फिट करने की कोशिश करेंगे। अभी ये हो नहीं रहा, मे बी साइज बड़ा है। ये होने के बाद मुझे जो पावर है उसका मैंने अलग से PNG क्रिएट किया है, तो उसको भी फिट करना पड़ेगा। सबसे पहले जो पावर है उसको कटआउट करना पड़ेगा। उसे कटने के लिए यहाँ पे मेरे को एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि है विक्टर ड्राइंग, आप समझ सकते हो। अब क्या करूँगा मैं इस तरीके से मास्क करके, अब मास्क करने के बाद मेरे को पूरा यहाँ तक लेके आना जहाँ तक ये इसका शेप, समझ रहे हो ना। अब लास्ट में जाके मैं सेम प्रोसेस करूँगा, जहाँ तक ये बांगोर दिखाई दे रहा है वहाँ तक मेरे को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। एक सेकंड, ओह व्हाट द हेल, एक कांड हो गया है। कांड ये है कि बी के पीछे का ये येलो था वो ट्रांसपेरेंट में नहीं दिखाई दे रहा था, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, मैं इसको भी मैनेज कर लूँगा। इसके ऊपर क्लिक करके मेरे को यहाँ तक लेके आना है, समझ में आ गया, कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसको कर देंगे बीच में, जिससे हमको सिर्फ बांगोर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगा ट्रैकिंग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। तो स्टार्टिंग में हम आएंगे मूवमेंट ट्रांसपेरेंट और की फ्रेम। मुझे नहीं पता आप लोगों का समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं बस प्रोसेस बता रहा हूँ। वैसे आप लोग देखते जाइए कि कैसे कैसे ये हो रहा है, वैसे जानते ही हो कहीं ना कहीं तो आपका स्किल्स काम आ ही जाते हैं। ये मेरा डायलॉग है, इसमें ये हिलता है, ये देख सकते हो टेक्स्ट हिलता है, तो उस हिसाब से मैं इसको परफेक्टली दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी की फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा। तो इसमें एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि की फ्रेमिंग प्लस एक एक पॉइंट, पता नहीं मैं खड़ा होकर भी मोबाइल हिला दिया हूँ और इतना कम मूवमेंट के साथ इतना ज़्यादा नौटंकी हो रहा, तो आप समझ सकते हो अगर पूरा मूवमेंट हो तो क्या ही कर सक बवाल हो जाएगा। तो अब हम करेंगे जो हम उस टाइम से प्रोसेस करना चाह रहे थे, मास्किंग का। तो मास्किंग का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे को बार बार इस तरीके से ट्रैकिंग और ये सब करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इसको करेंगे डुप्लीकेट, ताकि एक हमारे पास रॉ फाइल रहे और एक हमने जिसमें मास्किंग अप्लाई करने वाले। तो विक्टर एंड ड्राइंग में जाएंगे और यहाँ पे बी को मास्क करेंगे, क्योंकि मेरे को पहले बी चाहिए, क्योंकि बी से ही हमारा स्टार्ट होता है ये सारा चीज़, ये देख सकते हो यहाँ पे आके। लेकिन इसमें ज़्यादा ये करना नहीं पड़ेगा की फ्रेमिंग, क्योंकि आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके सामने लाते हैं इस वाले चीज़ को, मतलब सबसे ऊपर वाला लेयर है उसको लाते हैं, समझ में आ गया। अब लास्ट में आके सेम प्रोसेस यहाँ पे ले आते हैं। अब मुझे क्या करना है, दोनों को मास्क करना है। उससे पहले मुझे करना पड़ेगा ट्रैकिंग, ये बस इसका ही इस्तेमाल करना है, तीनों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं हर बार इस्तेमाल करता हूँ, जो कि मेरा गलती है। कुछ इस तरीके से मास्क हो चुका है हमारा, एक अक्षर दिख नहीं रहा है, मैं बताता हूँ कैसे दिखेगा। इसके ऊपर होल्ड करते हैं, इसके ऊपर मतलब दोनों को मार्क कर देते हैं और बीच वाला ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा एक टेक्स्ट मिल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ अकेला रहेगा, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे। तो अब क्या करना है कि जैसे ही यहाँ से अक्षर हटता है, जैसे ये हटेगा, दिखाई दे रहा हटेगा, उसी टाइम पर इसको कट कर देना है, मतलब यहाँ से कट कर देंगे, नीचे वाले को भी कट कर सकते हो, दिखाई दे रहा। अब मुझे लगता है कुछ चीज़ों में मुझे तकलीफ़ होने वाली है, तो मैं ग्रुप कर देता हूँ इन सारी चीज़ों को, जितना भी मैंने सेप का इस्तेमाल किया है और टेस्ट को ढकने के लिए उसके जाने के बाद, तो उसको मैं अगर ग्रुप कर दूँ एक साथ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा मुझे। तो ग्रुप करने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब इसी तरीके से सारे टेक्स्ट को कट करना है, जिसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है, लिटरली 10 से 15 मिनट या 20 मिनट। और ये चीज़ अपने दोस्तों को दिखाओगे तो भैया वो तो मुंह बाक बाहर रह जाएगा, इसलिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। सो अब देखते जाइए स्पीड में। अब इस वाले प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया, सारा कट हो चुका है, एक एक टेक्स्ट मैंने उसके प्लेस पर डाल दिया है। वो तो स्टार्टिंग में हमने की फ्रेम का इस्तेमाल करके अच्छा किया था। ओके,
ये जितना भी टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है, जैसे जैसे गुड़केगा उस हिसाब से इसका टेक्स्ट गिरते जाना चाहिए। जैसे सबसे पहले बी है तो बी को हम ढूंढते हैं, जैसे यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्लिक करना है जहाँ पे बी लिखा हुआ है, और जैसे ये गुजरेगा वहाँ पे इस वाले टेक्स्ट को नीचे गिरा देंगे। तो सबसे पहले देंगे की फ्रेम, की फ्रेम देने के बाद नीचे भी जाएंगे, इसमें भी देंगे की फ्रेम बिना हिलाए, और इसमें भी देंगे की फ्रेम। ये करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ता है उस हिसाब से इसको नीचे गिरा देना है कुछ इस तरीके से, एंड इसको कर देना है रोटेट कि गिरते ही ये टेढ़ा हो गया है कुछ इस तरीके से। देखिए दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फास्ट में हो रहा है, तो आप चाहे तो की फ्रेम को आगे पीछे कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये बहुत इजी है, अलाइट मोशन का बेस्ट फीचर है। अब यही प्रोसेस हम सारे टेक्स्ट के साथ करने वाले हैं। जैसे बी के बाद आ रहा है ए, तो ए वाला साइन के पास चलते हैं। कहाँ गया भैया ए? अच्छा, ए के लिए हमने एक ग्रुप एंड मास्क बनाया था, जो कि इसको आप हटा भी सकते हैं ग्रुप बनाने के बाद, जब आपको लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा हो गया तो आप यहाँ से आके अनग्रुप कर सकते हैं। ओके, अनग्रुप जैसे ही करेंगे तो आपको ये टेक्स्ट मिल जाएगा। लेकिन आई पता नहीं ये अलाइट मोशन में क्या नौटंकी चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो यहाँ के इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड आप इसको भी करेंगे एनिमेट, जैसे मैंने उस वाले को किया था। सबसे पहले यहाँ पे एक की फ्रेम देंगे, फिर की फ्रेम देंगे, फिर नीचे जाके एक की फ्रेम दे देंगे। ओके, अब इसी तरीके से जितना भी आइकन वगैरह होता है या ग्लास जो आप वीडियोज में देखते थे पहले रील्स के, तो उसमें भी सेम ही प्रोसेस किया जाता था, लेकिन उसमें टेक्स्ट नहीं बल्कि कोई ऑब्जेक्ट हुआ करता था, जैसे गमला हो सकता है, दरवाज़ा हो सकता है, उन सारे चीज़ों को सेम ही तरीके से क्रिएट किया जाता है। मैंने वे बताया है कि किस तरीके से आपको करना है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, ग्लास पे, गमला या टेक्स्ट, जो भी आप करना चाहते हो। भाई ये करने के बाद अपने दोस्तों को दिखा सकते हो। दो चीज़ का ध्यान रखना कि वीडियो पूरा स्टेबल हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हिलता है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। ऊपर से हमने एक ऑब्जेक्ट ऐड किया है, मतलब अपने एक मॉडल को ऐड किया है, तो उसमें दिक्कत दे रही है। अगर ये नहीं रहता तो भैया उसको काटने में उतना तकलीफ ही नहीं होता। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे? अब मैं जब पिछले वाले वीडियोज में काम करता था, मतलब उस टाइम में जब मेरे को एक वीडियो बनाने में 2 से 3 दिन लगता था सिर्फ क्रिएट करने में, वीडियो अपलोड नहीं करना, सिर्फ क्रिएट करने में, आइडियाज लगाने में, तो उस टाइम का प्रोजेक्ट रहता था ये सारा। तो मैंने सोचा कि जब उतना मेहनत किया था तो भाई अपलोड रहेगा तो कभी ना कभी किसी ना किसी को काम में तो आएगा ही। ओके, बाकी इंस्टा पर तो फॉलो कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप भी क्रिएट कीजिए, इसे दिमाग लगाओगे तो आराम से कर सकते हो, वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ले बाबा डेटा, सी यू, एंड जय हिंद जय हिंद।